हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने राजस्थान के लोक देवता बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हमने अलग से कर लिए थे। आज हम राजस्थान की लोक देवियाँ कंप्लीट करेंगे। मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगा। इन 20 प्रश्नों में राजस्थान की लोक देवियाँ ऑलमोस्ट हम सारी कवर कर लेंगे। आपको क्या करना है, 20 में से कितने प्रश्न आपको पहले से आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ वो आपको साथ साथ नोट डाउन करके चलने हैं। कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठ जाओ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर शहर बसाया था। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ अच्छे से आपको याद करने हैं, लिख के चलने हैं। राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर शहर बसाया था। करणी माता को चूहो वाली देवी के नाम से जाना जाता है। ये चूहो वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। एग्जाम में आया हुआ भी है कि किस देवी को चूहो वाली देवी के नाम से जाना जाता है। तो करणी माता चूहो वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये चूहे करणी जी के काबे कहलाते हैं। ये जो चूहे हैं ये करणी जी के काबे कहलाते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तन्नोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तन्नोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, तन्नोट देवी का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। तन्नोट देवी का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। इन्हें हम थार की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। तन्नोट देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लांगुरिया गीत का संबंध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत का संबंध है। तो दोस्तों, लांगुरिया गीत का संबंध केला देवी करौली से है। केला देवी करौली से, ये करौली के यादव वंश की कुलदेवी हैं। केला देवी करौली के यादव वंश की कुलदेवी हैं। केला देवी का ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। केला देवी के जो भक्त हैं वो इनकी आराधना में लांगुरिया गीत कहते हैं। अब इनका एक मेला भरता है जिसे बोलता है लक्खी मेला। ये कब भरता है। तो दोस्तों, ये लक्खी मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। इसको ऐसे याद रखना कि केला देवी के 8 केले चढ़ाते हैं हम, और 8 केले सही केले चढ़ाते हैं। तो इसे याद रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका विशाल लक्खी मेला भरता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करके चलने हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका विशाल लक्खी मेला भरता है। अगला प्रश्न है, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो जीण माता का मंदिर दोस्तों रेवासा सीकर में स्थित है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। ये अजमेर के चौहान वंश की कुलदेवी है। जीण माता अजमेर के चौहान वंश की कुलदेवी है। अब इसका जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड होता है, वो है कि राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका है। तो दोस्तों, राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत जीण माता का ही है। आपको याद रखना है, मोस्ट रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। एक और प्रश्न यहाँ से आता है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका मेला वर्ष में 2 बार भरता है। तो दोस्तों, जीण माता ही है जिनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है। एक तो चैत्र में और एक आश्विन की शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। चैत्र में आश्विन की शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। पूछा जाता है कि जो जीण माता का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने करवाया था। पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने इनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि रानी सती का मंदिर कहाँ है। रानी सती का मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। रानी सती का जो वास्तविक नाम था वो नारायणी था। नारायणी इनका वास्तविक नाम था। इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। दादी जी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। और भाद्रपद की अमावस्या को इनका मेला भरता है। भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला भरता है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जहाँ से लोक देवियों के प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। अच्छे से देखना, सब कुछ नोट डाउन करके चलना। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ है। कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था।
महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुगाली माता किसकी कुल देवी है। सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो दोस्तों सुगाली माता आउवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। इसे 1857 की इष्ट देवी के नाम से जाना जाता है। इसको हम 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहते हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता था 1857 की क्रांति की इष्ट देवी कौन है, तो हमें सुगाली माता करना है और आउवा के ठाकुर परिवार की ये कुल देवी है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करके चलने हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। अभी हमने देखा था बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता, आपको बताना है जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नागणेची माता। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। इनका मंदिर है नागोणा गांव बाड़मेर में। नागोणा गांव बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। घेवर माता का मंदिर कहाँ है, आपको बताना है कि घेवर माता का मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों घेवर माता का मंदिर राजसमंद में है। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर है। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी हैं जो बिना पति के सती हुई थी। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर है। ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जो बिना पति के सती हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी देवी जिसके केवल सिर की पूजा होती है। ऐसी देवी जिसके केवल सिर की पूजा होती है, तो दोस्तों उन्हें हम सुंधा माता बोलते हैं, जिनका मंदिर जालोर में है। सुंधा माता जालोर। इनके धड़ नहीं होने के कारण इन्हें अधरेश्वरी माता भी कहते हैं। धड़ नहीं होने का कारण इन्हें हम अधरेश्वरी माता भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो सुंधा माता का मंदिर है, ये राजस्थान का प्रथम मंदिर था जहाँ पे रोप वे शुरू हुआ था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। प्रथम मंदिर जहाँ पे रोप वे शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, आशापुरी माता किस वंश की कुल देवी है। आशापुरी माता किस वंश की कुल देवी है? तो दोस्तों जालोर के चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरी माता। आशापुरी माता को हम महोदरी माता, मोदरा माता आदि नाम से भी इनको जानते हैं। और इनका जो मंदिर है वो मोदरा गांव जालोर में इनका मंदिर है। आशापुरी माता, महोदरी माता, मोदरा माता, मंदिर इनका मोदरा गांव जालोर में है। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा देवी जिन्हें शीला देवी भी बोलते हैं, ये अन्नपूर्णा देवी किसकी आराध्य देवी है। अन्नपूर्णा देवी जिन्हें शीला देवी भी बोलते हैं, ये किनकी आराध्य देवी है? तो ये आमेर के कछुआहों की आराध्य देवी है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये जो मूर्ति लेके आए थे कौन लेके आया था। तो दोस्तों आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ये मूर्ति बंगाल से लेके आए थे। बंगाल का राजा था केदार, उस केदार को पराजित करके ये मूर्ति लेके आए थे। अगला प्रश्न है कि शीतला माता का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। शीतला माता का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शीतला माता का सुप्रसिद्ध मंदिर चाकसू जयपुर में है। चाकसू जयपुर में ये प्रसिद्ध मंदिर है। ये चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। चेचक की देवी के रूप में शीतला माता को जाना जाता है। इनके अन्य नाम की बात करें तो इनको सेढ़ल माता भी बोलते हैं, महामाई भी इनको बोला जाता है। चाकसू की शील डूंगरी पर इनका मंदिर स्थित है। जो चाकसू की शील डूंगरी है वहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। अब एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो शीतला माता है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह जी ने करवाया था। मेला कब भरता है? तो होली के बाद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है और हम बासियोड़ा मनाते हैं। उस दिन हम खाना नहीं बनाते, एक दिन पहले ही खाना बना लेते हैं और हम उसे बासियोड़ा के नाम से जानते हैं। बासियोड़ा हम उस दिन मनाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है, अच्छे से ध्यान रखना है। आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। तो दोस्तों आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता है। इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में है।
मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दुल्हे राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दुल्हे राय, जिसको तेजकरण भी बोलते हैं, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में दीपक की लौ से निरंतर केसर टपकता रहता है। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में दीपक की लौ से निरंतर केसर टपकता रहता है, उसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों उसका नाम है आई जी माता। आई जी माता उसका नाम है। ये रामदेव जी की शिष्या थी, रामदेव जी की ये शिष्या थी। इसके मंदिर को हम दरगाह के नाम से जानते हैं, इनके मंदिर को दरगाह के नाम से जानते हैं। और इनकी जो थान होती है उसे हम बडेर के नाम से जानते हैं, इनकी थान को बडेर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छींक माता का मंदिर किस जिले में है? राजस्थान में छींक माता का मंदिर किस जिले में है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें। राजस्थान में छींक माता का मंदिर दोस्तों जयपुर में है। जयपुर में छींक माता का मंदिर है, और ये जो गोपाल जी का रास्ता आता है वहीं पे ये मंदिर है, छींक माता का मंदिर। अगला प्रश्न है कि एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसी देवी जिसके पीठ की पूजा होती है। तो दोस्तों इन्हें हम ब्राह्मणी माता के नाम से जाना जाता है, इनको ब्राह्मणी माता के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका मंदिर शोरसेन बारा में है, शोरसेन बारा में इनका मंदिर है ब्राह्मणी माता का। ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किन्हें जाना जाता है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जाना जाता है। जिलानी माता अलवर में, बहरोड अलवर के पास में इनका मंदिर है। ये बहरोड अलवर में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो दोस्तों सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। सुगन चिड़ी को आवड़ माता का माना जाता है, और ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। अभी मैंने बता रहा हूँ आपको, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, करौली के यादव वंश की कुल देवी है, आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सी जो देवी है वो कौन से वंश की कुल देवी है। तो सुगन चिड़ी आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न है कि दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों दधी माता का मंदिर राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। नागौर में दो गांव हैं छोटे छोटे, गोठ मांगलोद। ये जो गोठ मांगलोद हैं इन्हीं की सीमा पर दधी माता का मंदिर स्थित है। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। आपके इनमें से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो आपको याद करने हैं, लिख के चलने हैं। आपके जो लोक देवियाँ के प्रश्न बनेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रश्न यही बनेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से ही आपके लोक देवियों के 99% प्रश्न बनते हैं। अच्छे से आपको इनको याद करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर किया करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।